गली किसका जोर, चौक चौराहे पर किसकी चर्चा, न्यूज स्टेट निकालेगा निकाय का पर्चा, शहर की जंग जनता के संग, हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर की जनता से जानेंगे कि निकाय चुनाव पर उसका क्या है मत, और इन सालों में क्या कुछ बदला गाजीपुर में, और किस तरीके का बदलाव आने वाले दिनों में गाजीपुर की जनता चाहती। गाजीपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 25 सालों से जो नगर महापालिका का अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में और क्या परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं और क्या परिवर्तन जनता चाहती है। हमारे साथ जनता भी है और साथ में पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं और पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं। हम सभी से बात करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरवीर भी हैं। तो सबसे पहले सुरवीर से जानते हैं, सुरवीर जरा समझाइए कि गाजीपुर का क्या गणित है। देखिए, यहाँ पर जिले में 8 नगर निकाय मतलब चुनाव होगा, जिसमें 3 जो है नगर पालिका परिषद है और 5 जो है नगर टाउन एरिया हमारे यहाँ है। और 25 साल से यहाँ पर नगर पालिका परिषद गाजीपुर में भाजपा का ही कब्जा रहा है और सादात में कब्जा रहा है। उसके बाद अन्य नगर पालिका परिषद हो या टाउन एरिया हो, उसमें अन्य दलों का भी निर्दल है या समाजवादी पार्टी से रिफ्लेक्टेड रहे हैं, इन लोगों का कब्जा रहा है। अब हम चलते हैं जनता के पास और प्रतिनिधियों के पास। ये कांग्रेस से हामिद जी हैं जो इस समय प्रत्याशी बने हुए हैं। हामिद जी, 25 सालों से तो कब्जा बीजेपी का है, तो इस बार आप किन मुद्दों के साथ खड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि जनता आपको वोट करेगी? इस वक्त जो है नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। दाखिल खारिज में लोग पैसा ले रहे हैं 25,000 से लेकर 2,25,000, जिसपे कि जनता का यह अधिकार है कि उसका दाखिल खारिज फ्री में हो। आपका चुनावी मुद्दा क्या है इस बार, जिसके मुद्दे के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाउस टैक्स वाटर टैक्स कम किया जाए, समग्र विकास हो, जल जो जमीन का निकाला जा रहा है इसको रोका जाए, अलग से जल की व्यवस्था किया जाए। ये बताइए, कांग्रेस प्रत्याशी का जो तर्क है उससे आप लोग कितना सहमत है? बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं है। आपने एक आरोप लगाया कि स्वकर यहाँ कम करना है, वाटर टैक्स कम करना है, और विगत लगभग 6 महीने से वाटर टैक्स और हाउस टैक्स आधा हो चुका है और उस आधा होने के बाद भी आधा लोगों ने जमा कर दिया है। वैसे विरोध का विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, और अगर इन्हें सिद्ध करने के लिए दिया जाए कि दाखिल खारिज में अगर कोई व्यक्ति लाए जो 2,00,000, 2.5 लाख, 4 लाख जो भी आप आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसा पैसा लेकर दाखिल किया, तो इनके पास एक भी व्यक्ति वैसा मिलेगा नहीं। लेकिन मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ इनको, आज 6 महीने से स्वकर कम हुआ है और उसके बाद से जहां तक मुझे जानकारी है आधा शहर के मकानों का स्वकर जमा भी हो चुका है आधा होने के बाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से भी पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार किन मुद्दों के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर रही है? बहुजन समाज पार्टी का हमेशा विकास मुद्दा रहा है, लाइन ऑर्डर मुद्दा रहा है, और जहां तक अभी हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि स्वकर की बात, क्योंकि हम लोग भी इसी नगर के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज यहीं 1880 से पहले से हैं, कोई नया मकान बना के हम लोग नहीं हैं। लेकिन अभी जब स्वकर की बात आई तो स्वकर में अध्यक्ष और ईओ में खुद ही आपसी तालमेल नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय तो वाहवाही लूटने के लिए बोल दिए कि स्वकर आधा हो गया, वहां जाने पर ईओ महोदय के द्वारा बताया गया कि कहां से है मेरे पास कोई जियो कोई गाइडलाइन नहीं आई, मतलब आम आदमी को पता नहीं चलता है कुछ भी, जमीनी हस्तक्षेप नहीं होता। और दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि 25 वर्षों से कब्जा है, अरे भाई ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। परिवर्तन निश्चित है, पहले रियासतें राजाओं की होती थी, लोकतंत्र में कोई चीज परमानेंट नहीं है। नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, तो क्या साफ सफाई गली मोहल्ले में सब कुछ ठीक होता है? कुछ नहीं होता है। अभी जो सीवर का काम चल रहा है, इससे किसी भी गली में आप जा नहीं सकते। आप खुद घूम के देख लीजिए, गली का वीडियो बना के न्यूज पे चलाइए कि क्या है गली। कोई गली में सीधे अभी चुनाव से 2-3 महीने पहले काम शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। क्या लगता है आपको, आप यहाँ के निवासी हैं? जी हाँ, मैं निवासी हूँ यहाँ का, और ये जब भी किसी चीज का निर्माण होता है तो धूल जरूर उड़ती है। ऐसा नहीं कि सीवर बनेगा तो ऐसे ही हवा में बन जाएगा और काम होगा। जब सीवर बनेगा तो गड्ढा होगा, फिर पाइप डलाएगा, फिर वो कुछ दिन बैठेगा,
फिर उसमें निर्माण होगा तो निश्चित रूप से धूल उड़ना है। अब बाकी नगर पालिका में बहुत कार्य हुआ, आज हर गली और हर नाले बने हुए हैं, सब पक्के निर्माण हो गए हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। ये तो कह रहे हैं काम बहुत हुआ है यहीं की निवास। सर हम कह तो रहे हैं आप घूम के देख लीजिए ना, कहने और करने में अंतर होता है। क्या क्या कहेंगे बाबू जी, कितना काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या मान लो ठीक है, काम तो हुआ है, मान लो की आवाज नहीं काम नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है, और जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। परिवर्तन बस पहले से थोड़ा सा ये हो गया है कि कीचड़ नाली गंदगी और भ्रष्टाचार नगर पालिका में असमपार है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जनता बेहाल है। सरकार कहती है माफियाओं को साफ कर रहे हैं, तो क्या नगर की भी सफाई हो रही है? कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पिछले 15 सालों से भाजपा का यहाँ चेयरमैन होता है, लेकिन जितना एक बार काम होता हर तीसरे महीने में दोबारा वो सड़क टूट जाती है चाहे नाली टूट जाती है, पीने का स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल पाता है। क्या आप इनके जो दावे हैं इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। नगर में 2500 वार्डों में बहुत सारे काम हुए हैं, नाली सड़क सुलभ शौचालय सफाई का भी काम बहुत सारा कराया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्या लगता है कुछ हुआ है? बहुत हुआ है काम। क्या काम हुआ है? 2500 वार्ड में काम हुआ है, हाँ साफ सुथरे के मामला में तो बहुत। हम लोग का अभी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे गाजीपुर आया है साफ सुथरे में, आपको पता मानिए स्वच्छता में अभियान में दूसरे नंबर पे आया है। भाई साहब सुना, हमीद भाई सुना, भैया सुना, आप ये बताइए 25 साल में अगर हम नगर पालिका से आप हैं तो हमने तो बलात् कब्जा नहीं किया है, हमको जनता ने चुना है, जनता ने चुना तो मेरे कार्यों पे चुना है, इससे बेहतर आपको परिणाम क्या मिल सकता है? ये विकास की परिभाषा खुद गाता कहती है कि 25 साल से स्टैंड है। भाई साहब इनका दावा जो है ये कह रहे हैं कि 25 साल से अगर हम हैं तो कुछ तो काम किया होगा जिसकी वजह से हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ नगर के ही एक राजेंद्र प्रसाद गाजी हैं जो कांग्रेस से ही रिलेटिव हैं, उन्होंने पंचायती राज का नगर अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पिछले 4 साल से ऐसा भ्रष्टाचार उजागर किया है कि डीएम तक कर लिखना पड़ा कि ये चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो सकती। साफ सफाई हुआ है, कुछ स्ट्रीट लाइट जलती है, नाली खड़ंजा ठीक होता है? नाली खड़ंजा तो अपनी जगह पर ही है, वो भी कोई सही हालत में नहीं है, लेकिन लाइट जा रहा देखी रहे आज की पुलिस। क्या लगता है भाई साहब? बहुत बुरी स्थिति है, गाजीपुर से बगल जो जिले हैं वहाँ हुआ है विकास, लेकिन गाजीपुर में विकास नहीं हुआ। नाली देखिए तो उसी तरह भजबा जा रही है, और स्ट्रीट लाइट देख लीजिए और तार जो है इसी तरह झूल रहे हैं सब। जो प्रतिनिधि 5 साल काम किए है, बेतहाशा काम किए, लगभग इधर 6 महीने में लगातार कम से कम 50 नाली खड़ंजा पीच के रोड और सीसी रोडों का लोकार्पण किया है तभी जब वो काम पूरा हुआ है। गाजीपुर के इस बाजार में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निकाय चुनाव में लोगों की उम्मीदें क्या हैं और अब तक गाजीपुर में जो कुछ हुआ उससे कितना संतुष्ट है। भाई साहब गाजीपुर में अगर बात की जाए तो अब तक क्या कुछ काम हुआ गली मोहल्लों में? निकाय चुनाव सामने है, क्या देखते हैं आप? देखिए काम तो हुआ है, काम गली खड़ंजा नाली सब बना हुआ है, बहुत काम हुआ है, जो शासन पैसा भेजती है उसके हिसाब से काम हुआ है, और लेकिन यहाँ अगले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और आगे भी रहने की उम्मीद है, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की होनी है। कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा, ये जहाँ अधिकारी बैठते हैं, ये नगर पालिका का ईओ बैठते हैं, ये नालियाँ देख लीजिए ठीक है, बगल वाली नाली चले जाइए, पीछे वाला रोड देख लीजिए, डीएम साहब का रोड है, इधर चले जाइए, सारी सड़कें तोड़ करके अस्त व्यस्त जो है गाड़ियों का आना जाना, रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए फूलन पुकरा सिंह, आज बन रहा है शाम को टूट गया, ये स्थितियाँ साफ सफाई की हैं। गली मोहल्ले के साफ सफाई की बात होती है तो आम आदमी पर भी कुछ जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर साफ सफाई कराएं और जागरूकता फैलाएं। लेकिन नगर में वर्तमान समय के परिवेश की बात करें, नगर में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं लागू बनाया गया है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई है ताकि जन जागरूकता अभियान के तहत ये साफ सफाई की जाए। क्या दिखाई दे रहा है गाजीपुर में? कुछ नहीं, जीरो है, कुछ भी विकास हुआ नहीं है नगर पालिका में अब तक। क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग परेशान है। क्या लगता है भाई साहब आपको? देखिए जब से हमने देखा है
कोई विकास का काम जो होना चाहिए कायदे से, हमको ये समझ में नहीं आता कि जो इंजीनियर ये प्लान बनाते हैं, माना कि इस हिसाब से बनना चाहिए, पूरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। जहां भी जल निगम ने पाइपलाइन का जो भी काम किया है, आप देख सकते हैं कि नालियों के ऊपर जो ढक्कन बने हुए हैं वो पानी ओवरफ्लो होता है, सड़कों पर गंदगी आ जाती है, सारी नालियां जाम हैं। और सारे नेताओं ने केवल यहां पर अपना विकास किया है, किसी ने समाज के विषय में, इस शहर के विषय में किसी ने नहीं सोचा। चुनाव से क्या उम्मीद करते हैं आप? चुनाव से क्या, हमऊ लूटी तुहू लूटो, लूटे का आजादी बा, जेकरे ऊपर खादी बा, सबसे ढेर हुए लूटी जेकरा ऊपर खादी बा। क्या दिखाई दे रहा, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ है, काम भी बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हुए। और हमें लगता है कि विकास की दरकार है जनता को, और जो भी काम हो आगे आने वाले समय में वो सुनियोजित ढंग से हो। जो प्रत्याशी थे वो भी बुरे नहीं है, वैसे नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। भाई साहब आप बताइए, एक तरफ सरकार कहती है अपराधियों की सफाईया हो रही है, तो क्या शहर की सफाईया होती है कि नहीं होती है? नहीं नहीं, शहर में सफाई होती है, लेकिन सफाई जो नियमित तौर पर होना चाहिए, नियमित तौर पर नहीं हो पा रही है, चाहे वो गाजीपुर का मामला हो या अन्य नगर पंचायत या नगर पालिका का मामला हो। चूंकि हम लोग तो यहाँ के मूल निवासी भी हैं और यहाँ पे लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अभी तब्दीली की जरूरत है। जी, तो तब्दीली की जरूरत है, क्या लगता है चचा, साफ सफाई है शहर में? साफ सफाई न है न रहेगी, ये गंदगी आती है जाती है, ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम नहीं सुधर रहा। सिस्टम इतना जल्दी सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे तो सिस्टम सुधरेगा, जब हमें नहीं सुधरेगा तो सिस्टम कैसे? बड़ी बात कही आपने कि अगर नेता को सुधारना है तो पहले जनता भी को भी सुधारना चाहिए। तो ये गाजीपुर का इलाका है, ये गाजीपुर का मुख्य बाजार है, कचहरी का इलाका है, और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सुधार तो है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पटिया है वो बिछी हुई है, टाइल्स बिछी हुई है, पर उस तरीके से सुधार नहीं है। नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, गली मोहल्ले की सरकार फिर से बनने वाली है, तो गली मोहल्ले में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ है, हमारे समय से तो कोई हुआ नहीं है। और इस बार तो जाहिर सी बात है कि तुमने चुनाव में बदलाव होना ही होना है। गाजीपुर के गली मोहल्ले चौक चौराहे पर हमने लोगों से बात की और जाना कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में वो क्या चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग काम से खुश हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं 5 सालों में कुछ नहीं होगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे किसमें कितना दम है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, गाजीपुर।